और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से एक और विमान भारत लौटा है। आपको बता दें कि 168 लोगों को लेकर यह विमान भारत लौटा है। हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है ग्लोब मास्टर, भारतीय वायुसेना का ये विमान। और तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, ये वही विमान है जो भारतीयों को लेकर लौटा है। और अब लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय की नज़र बनी हुई है, कुछ लोग अफगानिस्तान में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की भी कोशिशें जारी हैं। पिछले रविवार को काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हुआ था, उसके बाद से हालात अफगानिस्तान में बहुत खराब होते जा रहे हैं। मधुरेंद्र लगातार हिंडन एयरबेस से हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं ये लोग जो पहुंचे हैं? रहने वाले हैं, लेकिन अब एक साल आते जाते थे। उद्देश्य से आप गए थे और कैसे वहाँ तालिबान के शासन में फंसे जब वहाँ तक? तालिबान जो है, तालिबान ने एकदम अपना रोला मचाया, तालिबान ने ऐसे किया, खराबियाँ किया तालिबान ने। आप कहाँ पे थे और क्या काम? गुरुद्वारा साहब में थे। गुरुद्वारा साहब, आप साहब गुरुद्वारा से? तो आप कब से अफगानिस्तान में थे, किस गुरुद्वारा में थे वहाँ? हमारा जम्पल ही वहाँ का, कातेपुरा गुरुद्वारा साहब। वहाँ पर क्या काम आप कर रहे हैं? गुरुद्वारे की सेवा में। हाँ, तो वहाँ पर जब तालिबान आकर पूरा इलाका कब्जा कर लिया, फिर आप लोगों की स्थिति क्या रही, कैसे वहाँ से निकले, कैसे यहाँ फिर वापस भारत? कहा नहीं ऐसी कोई बात, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, मैं बाकी माहौल खराब है ज़्यादा। किस तरह से तालिबान के कब्जे के बाद आपका दिल धड़कने लगा, घर वापसी की, वतन वापसी की? माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया, धड़कना तो दिल था, माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। हालात आपने देखा काबुलिया सर, क्या क्या बताएं, क्या क्या देखा? जो देखा बताइए भारत सर। सर गोली मारी देखी, हर चीज़ देखी है, क्या क्या देखा आप उसको बयां करिए, ताकि इस देश के लोग जानें कि किन मुसीबतों में आप निकल कर आ पाए हैं। क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं आपके जरिए सर, इस सब कंडीशन में। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा अभी भी आपके अंदर वो डर है, वो खौफ है, जिसके चलते आप उन चीज़ों को याद नहीं? तभी तो इतने बंदे आए हैं, डर है तभी तो सभी आए हैं, ठीक है ना? अब इसी अंदाजा, इतने सारे काबुल से हैं, सभी डर है। महिलाओं बच्चों की क्या हालत है पूछो मत। आप ये बताइए कि महिलाओं की और बच्चों की क्या हालत है, भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी यहाँ? बच्चे बहुत परेशानी में आए हैं, बच्चे बहुत परेशान थे, बच्चे डर जाते थे हर टाइम, उनको उनकी शक्ल ही देख के डर जाते थे बच्चे। एयरपोर्ट पहुंचने में कितनी जद्दोजहद करनी? बहुत हमें मुश्किल हुई एयरपोर्ट पहुंचने में। हम वहाँ पर एम्बेसी काम नहीं कर रही है, फिर कैसे आप लोग काबुल आ पाए? मैसेज नहीं कहा, हमें इंडिया भारत ने हमें साथ मदद की। 5 दिन के बाद 6वें दिन पहुंचे। हाँ 6वें दिन, 5 दिन एयरपोर्ट लगाते लगे, एयरपोर्ट पहुंचे नहीं, 5 दिन रास्ते से वापस उन्होंने आने नहीं दिया, उन्होंने एयरपोर्ट पर कब्जा किया हुआ पूरा। तो ये जो लोग अपनी मुश्किलें और खास तौर पे अपनी, हम कह सकते हैं कि स्थितियों को बयां कर रहे हैं, या हम आपको ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग जो कि यहाँ पर हैं। भाई साहब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से अपनी मुश्किलों को दो चार करते हुए लोग जो हैं अब यहाँ पर चाय नाश्ता पानी और थोड़ा रिलैक्स होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फैमिली बच्ची और खासतौर पर आप देखिए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जिनसे थोड़ी बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या हुआ मैडम? तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जिनके हाथों में बच्चे हैं, जिनके साजो सामान हैं, वो अभी भी उन जटिलताओं में हैं कि थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर लें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, और उसके बाद उनसे जो है वो हालात को और बेहतर समझा जा सके। एक ट्रॉमा की स्थिति जो होती है वो इनके जहन में अभी दिखाई दे रही है, एक अंदर का जो डर और भय है वो वतन वापसी के बाद भी देखिए किस तरह से घर किया हुआ है कि उसको निकलने में वक्त लगेगा साइकोलॉजिकली, और एक तरह से देखा जाए तो इनके मन मस्तिष्क पर जो आतंक का एक साया है वो वतन वापसी के बाद धीरे ही जाएगा। ये तभी होता है जब किसी आप ट्रॉमेटिक कंडीशन में लगातार फंसे रहते हैं, आपका दिल दिमाग फ्रीज कर जाता है, आपको लगता नहीं कि आपकी सांसें लौट आएंगी, और तब जब आपकी सांसें लौटती हैं तब आपको जब वापस वतन इस तरह से लाया जाता है, उस वक्त जब राहत की सांसें लेते हैं, उस राहत की सांस को लेते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं लोगों से हम आपको बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हीं लोगों से हम जो है आपका तारुफ करा रहे हैं। ये तमाम लोग आपका पासपोर्ट एक बार देखेंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे सर आपका कैमरे पे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गुरजंट सिंह। कहाँ से हैं गुरजंट सिंह जी? मैं पंजाब से हूँ। आप कैसे अफगानिस्तान में फंसे हुए? हम लोग स्टील प्लांट में गए थे यहाँ काम करने। किसके स्टील प्लांट पे? वहाँ प्राइवेट लिमिटेड था कोई प्लांट ही, उसमें गए थे। तो किस तरह से आप वहाँ फंसे और कैसे फिर आपको यहाँ तक आना संभव हो पाया, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की जो हालत है हम लोग देख रहे हैं और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ हालात तो बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं, लेकिन इंडियन सरकार ने हमारी हेल्प किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये कि काबुल एयरपोर्ट पहुँचने में आपको अपने प्लांट से कितनी मुश्किलें हुई, किस तरह से आप जो है मैनेज कर पाए? हम 3 दिन से थे ही वहाँ पे, 3 दिन से हम पूरी मुश्किल में थे। हम वहाँ 12-12 घंटे 36-36 घंटे बिना खाए पिए वहाँ इंतजार कर रहे थे कि गेट खुलेगा, कब खुलेगा। 72 घंटे हो गई। बलजीत सिंह जी, अपनी कहानी बताइए। आप थोड़ा भाई बता रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। आप बताइए कि आप किस तरह से फंसे और किस तरह से काबुल एयरपोर्ट तक? वहाँ एयरपोर्ट तक आने तक मुश्किल है।
सबसे ज़्यादा ही ज़्यादा मुश्किल थी, और कहीं मुश्किल नहीं हुई। बहुत बुरा हालात है वहाँ से, जितना निकलना वही सही है, इतने बुरे हालात है। हम लोग देख रहे हैं लगातार जो है गोलियाँ चल रही हैं, गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही है, उसमें मैनेज करना कितना मुश्किल है? जी गोलियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन गोली की खैर इतनी पब्लिक को नहीं लग रही है, वो हवा में फायर कर रहे हैं डर बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर बहुत ज़्यादा डर है वहाँ से। हम तो यही चाहते हैं जो भी वहाँ पे है निकलने की कोशिश करे, और इंडियन सरकार उनको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करे। यही काम है भारत सरकार जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। आप देखिए इसके बाद ये लोग अपना अपना डिटेल दे रहे हैं, यहाँ पर डिटेल्स जो है वो लिए जा रहे हैं, और डिटेल्स लिए जाने के बाद इनको जो है फिर इनके अपने घरों की तरफ भेजने का रास्ता जो है वो साफ होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं उन लोगों को यहाँ एक तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ रहा है। भारी संख्या में जो लोग हैं उनको यहाँ पर अपने पासपोर्ट के साथ डिटेल देना पड़ रहा है, और इस डिटेल्स को यहाँ पर शेयर करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी राहत और अभी भी इनके चेहरे पर थोड़ी वेदना, दोनों का जो साझा भाव है मैं देख पा रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ इनके अंदर जो तालिबान का डर है, खौफ है, जो इन लोगों ने जिया है, जो इन लोगों ने जूझा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम साफिया सिद्दीकी, मैं अफगानिस्तान से हूँ। जब हमारा बहनों का इंडिया में बहनों भाइयों का तालिबान कितना किया, मैं वो उसके साथ था, मैं भी था, मेरे दो पोता और मेरे बेटी भी था, और मेरे दामाद भी। और तालिबान मुझे आप लोग के बहुत दूर जगह लेकर, कहाँ से उठाया आपको तालिबान? हमको एयरपोर्ट की तरफ से बोल दिया। मैं आप लोग कब हुआ ये, कब की घटना? कल, हाँ कल की। और बहुत दूर जगह से हम लोग गया और बोल दिया सब अलग से हो जाएगी, लेडीज और मर्दों। फिर बातचीत किया और हम लोग भी तालिबान से बहुत दरख्वास्त किया कि हम बेगुनाह है, और मेरे इंडिया भाइयों और बहनों को जो है वो अफगानिस्तान के लिए मदद के लिए आया है, कोई और उसका मकसद नहीं था। तो बहुत हम लोग को सताया। जब तालिबान ने आपको उठाया तो आपको लगा कि अब जीना मुश्किल होगा, अब बचना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होता, हम लोग बहुत डरा गया, बहुत रोना उसके लिए। हम छोड़ दे, हम लोग का कोई आपके लिए कोई दुश्मनी या कोई हमसे खतरा आप लोग के लिए नहीं। और उसके साथ बहुत किया कि हमारा जो बहन इंडियन बहन और भाई है उसके साथ कुछ गलत बर्ताव मत कर लो, इसलिए हम फिर से कोई उस ऊपर से बातचीत किया था, उसके बाद हमको बहुत फिर से छोड़ दिया। अफगानिस्तान के लोग इस फ्लाइट में आ पाए, आप अफगानी इंडियन के लोग के साथ सिर्फ मैं और मेरी लड़की के था, और दो पोता और दामाद। क्या हालत है वहाँ पर? बहुत ख़राब हालत है, जो शख्स दौलत में काम किया है उसके पकड़ती है, उसके मारती है, उसके कोई वजह नहीं। मेरा दामाद में बहुत अभी उसका बाल उस तरह नहीं, उस सब चेहरे का रंग दिया है, उसके अलग किया है अपने फेस अपने बाल सब को, उसके तालिबान उसके घर को जला दिया, मेरा घर को जला दिया, उसके बाद निकाल दिया। अब जब आपकी भारत वापसी हो गई है, आपको लग रहा है कि आपकी जान बच चुकी है, राहत की कुछ सांस लग रही है? नहीं है, माने मेरा दामाद वहाँ दौलत के काम करती है और उसका बड़ा चौकी है उसका, तो अब उनकी चिंता है जो वहाँ बचे हुए। मेरा दामाद का घर उसको जला दिया, फिर मेरा दामाद मेरा पास आया और तालिबान पूछताछ किया कि ये कहाँ है, उसके पता हो जाएगा कि ये मेरा पास है, हम लोग भी वहाँ से। वहाँ पर कह रहे हैं कि तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, महिलाएं डर से घर से नहीं। बिल्कुल बहुत ख़राब हालात है वहाँ। क्या होगा अब अफगानिस्तान का, आप कैसे देख रही हैं तालिबान की वापसी के बाद, अब क्या भविष्य दिखाई? बोलती मैं आज अच्छा काम के लिए आया है, वो जो जबान से बोलती है, वो पीछे के हम जो हालात दिखती हूँ उस तरह नहीं जो बोलती है। रोजी रोटी रोजगार स्वतंत्रता कहाँ कहाँ देखते हैं अब काबुल में? सब चीज़ अभी गड़बड़ है सब चीज़। तो आप देखिए कि किस तरह से अपने दर्द को बयां करते हुए ये महिला हैं। यहाँ ये कुछ मासूम बच्चे आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर हैं। बेटा आपका नाम क्या है? आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं? ये बताइए आपने क्या क्या देखा है काबुल एयरपोर्ट पे, क्या हो रहा था वहाँ? वहाँ पे सब कुछ है, अच्छा। क्या हो रहा था, क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसे लोग हैं? अच्छा लोग हैं। आप इंडिया आई हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ पर स्थितियाँ खराब हो गई हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, इसके चलते आपको आना पड़ा, यहाँ पे कैसा लग रहा है?
अच्छा लगा वहाँ पे स्माइल देंगे स्माइल क्या नाम है आपका अहमद उमर आपके पापा मम्मा का पेरेंट्स का मोहम्मद तो ये देखिए ये बच्चे हैं मासूम बच्चे हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ और इनकी मुस्कान आपसे साझा कर रहा हूँ। इन बच्चों की मुस्कान जो वापस भारत में लौटी है इन मुस्कान को देखकर इनके स्माइल्स को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खौफ से निकलने के बाद और तालिबान के आतंक से निकलने के बाद किस तरह से भारत की ज़मीन पर लौटे अफगानी लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। भारतीय तो ले ही रहे हैं वतन वापसी के साथ साथ, लेकिन इस पूरे ही क्रू में जो अफगान के लोग वापस आए हैं वो भी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वो भी राहत की सांस ले रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से एक तरफ ये समूचा जो लोगों का काफिला है वो अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से भी गुजर रहा है। सामने अधिकारी बैठे हुए हैं जो डिटेल्स नोट डाउन कर रहे हैं ताकि जो भारतीय हैं उन्हें उनके घर की तरफ जाने का रास्ता जो है वो क्लियरेंस दिया जा सके। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से जो अफगानी नागरिक यहाँ पर हैं उनकी स्थितियों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से हम लोगों के बीच आपको चलेंगे, तब तक ये लाइन लग चुकी है, ये कतार लग चुकी है और ये कतार देखिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए लगी है जहाँ पर जो लोग हैं खास तौर पर वो अपने स्लिप्स को भर के अपनी डिटेल्स को देकर और फिर जो है जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि उनके आगे जाने का रास्ता जो है वो क्लियर हो सके। ये हिंडन का एयरबेस है और यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए जो है वो तमाम लोगों को लाया गया है। एक बार फिर दर्शकों को ये जानकारी देते हुए हम वापस जो है वो लोगों के पास चलते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।